हाय एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि आप मशीन सीख करके एक ऑपरेटर से ज्यादा कैसे कमा सकते हैं? नहीं। क्या आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे जो काफी हेल्पर करते आ रहे हैं या आगे भी कर रहे हैं? अगर आप भी वही गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो वीडियो पूरा देखने से पहले वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर और आप देख रहे हैं ऑपरेटर भाइयों का अपना चैनल ऑपरेटर विद हेल्पर। तो अगर आप हेल्परी कर रहे हैं या भविष्य में कभी हेल्परी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको घर से निकलने से पहले क्या करना है, आपको लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करके आप घर पे ही रहेंगे लगभग 30 दिनों तक। 30 दिन बाद आपको क्या करना है कि आप लाइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लर्नर से लाइट में जाने के लिए आपको 30 दिन का वक्त लग जाता है। एक महीने बाद आप लाइट के लिए अप्लाई करिए। लाइट अप्लाई करने के बाद आप क्या करिए, आप हेल्परी के लिए निकल जाइए जहाँ भी आपको मौका मिले। और हाँ, जब आप मशीन पे जाइए तो पूरा मशीन सीख के ही आइए। कुछ भी पड़ता है आपके घर तो बीच में छोड़ के नहीं आइए। मैक्सिमम आप मशीन पूरा सीखने की कोशिश करिए, चाहे 7 महीना लगे, 8 महीना लगे। कुछ कुछ हेल्पर को 4 महीने ही सीख जाते हैं, कोई कोई हेल्पर को साल भर भी लग जाता है। एक एवरेज पकड़ के बताऊं तो 7 से 8 महीना आपको लगेगा हेल्परी में पक्का ऑपरेटर बनने के लिए। ठीक है, तो आप उसके बाद घर के तरफ आइए। लगभग 8-10 महीने बिताने के बाद अगर आप 4 महीने भी सीख जाते हैं मशीन, फिर भी आप 8-9 महीना हेल्परी करिए, ताकि आप एक पक्का ऑपरेटर बने, कहीं भी चांस मारने जाएं तो फेल ना हो। उसके बाद आप घर पे जाइए। घर पे जाने के बाद आपका लाइसेंस का डेट भी आ जाएगा जो आपने लाइट करवा रखा है। उसके बाद उसको क्या करिए, आप हाईवी के लिए अप्लाई करिए। हाईवी के लिए अप्लाई जब करेंगे आप, तो उसमें भी 2 प्रोसेस होता है, 2 स्टेप होता है। सबसे पहले हैवी का लर्नर बनता है। हैवी का लर्नर बनने के बाद फिर आपको वही प्रोसेस, हैवी का लर्नर बनेगा, फिर 1 महीना आप इंतजार करेंगे लगभग, फिर 30 दिन बाद। उसके बाद आप हैवी का परमानेंट यानी कार्ड वाला जिसमें चिप लगा रहता है, बिहार उहार में तो नहीं लगा रहता है भाई, यूपी में लगा है। तो अभी बिहार का जो हैवी आ रहा है उसमें नहीं लगा है। तो चिप वाला जब लाइसेंस आपको मिलेगा, उसके बाद 1 साल बाद, मतलब लाइट से हैवी तक जाने में आपको 1 साल का जो बीच का गैप है उसमें आप हेल्परी कर लीजिए। और उसके बाद आप हैवी का परमानेंट जब करा लेंगे, उसके बाद आप चांस मारने के लिए निकलिए। 1-2 महीना ही घर पे रुकिए। ज्यादा देर नहीं करने के बाद आप ज्यादा दिन घर पे नहीं रुकिएगा, क्योंकि आप जो भी सीखे रहेंगे वो भूल जाएंगे और आप कहीं चांस मारने जाएंगे तो फेल भी हो सकते हैं। तो भाई ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। आप 1-2 महीना ही घर पे रुकिए। 8-9 महीना हेल्परी करने के बाद, 1-2 महीना रेस्ट लेने के बाद आप क्या करिए कि आप चांस लेने के लिए निकलिए। और जहां भी आप चांस लेने जाएंगे, पूरे भारत में कहीं भी अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है, तो आपको 20,000 से 25,000 कहीं भी अच्छी अच्छी कंपनी में ऑफर किया जाएगा। और इस तरह आप एक ऑपरेटर से ज्यादा कमा पाएंगे। जैसे कि मेरे हिसाब में, उन्होंने मेरे साथ में जो ऑपरेटर किए हैं वो 18,000 रुपये अभी भी सैलरी कमा रहे हैं। मैं उनके पीछे का हेल्पर होके आज 22,000 रुपये कमा रहा हूँ। तो मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, लगभग साल भर से वो ऑपरेटरी कर रहे हैं, उनका सैलरी 18,000 है, मेरा 22,000 है। तो उन्होंने साल भर में जो 50-60,000 रुपये जो छोड़ा है, आपको जो लाइसेंस बनवाने में पैसे लगेंगे वो सारे के सारे रिकवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह आप एक ऑपरेटर, पुराना एक्सपीरियंस ऑपरेटर के से ज़्यादा कमा पाएंगे। क्या बोला तूने? और अगर आप वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं, अगर आप हेल्पर हैं या हेल्परी के लिए सोच रहे हैं या ऑपरेटर हैं, तो हम ऐसे ही इसी टॉपिक पे मशीन, पोकलेन, जेसीबी, हाइड्रा, हाइबा से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपना नाम और जिला जरूर लिखिए, क्योंकि आपको पता चलता है हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। धन्यवाद। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।